तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर सिक्सटी वन डेट इज लोकपाल एंड लोकायुक्ताज सो so, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडिंग डेट इज ग्लोबल सिनेरियो इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स आर करेक्टराइज बाई वेलफेयर ओरिएंटेशन से करेक्टराइज होती हैं हैज जो गवर्नमेंट है हैज़ कम टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशंस की एंड दिस रिजल्टेड इन द एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड मल्टीप्लीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की मतलब जो ऑफिसर्स हैं उनका एक्सपेंशन उनका कंट्रोल थर्स इंटर्न जिससे इंक्रीज जो हो जाता है वो हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और डिस्क्रिशन जो सिविल सर्वेंट द्वारा इंजॉय की जाती है एट डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द अब्यूज ऑफ दिस पावर और डिस्क्रिशन सिविल सर्वेंट के द्वारा वो ओपन कर देती है इसको फॉर द हरसमेंट माल प्रैक्टिस माल एडमिनिस्ट्रेशन एंड करप्शन सच अचुएशन गिव्स राइज टू सिटीजनिज अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो सक्सेस है डेमोक्रेसी की और रियलाइजेशन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिपेंड करता है ऑन द एक्सटेंट कि जो सिटीजन्स की ग्रीवेंसीज हैं उन्हें रियड्रेस किया जा रहा है कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा रहा है उनको देखा जा रहा है देर फोर उसको एक्सटेंड करती है जो हमारी डेमोक्रेसी की सक्सेस है और रिलाइजेशन है सोशल इकोनॉमिक डिवेल्पमेंट गोल्स का देर फोर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल डिवाइस क्रिएट किए गए इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू डील विद द रियड्रसल ऑफ दिज ग्रीवेंसीज तो बेसिकली आप इसे पोवा याद कर सकते हैं पोह हाँ होता है लेकिन पोहा आप ध्यान रखेंगे पी इज़ फॉर प्रोक्योरेटर सिस्टम ओ इज़ फॉर ऑम्बर्ट्समन सिस्टम ए इज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम अब जो अर्लीस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है क्रिएटेड इन द वर्ल्ड फॉर द रिड्रेशल ऑफ सिटीजन ग्रीवेंसिस इज द स्केंडनी नेवियन इंस्टीट्यूशन ऑफ अम्बर्ट्समैनडी नेवियन मीन जो नॉर्दर्न यूरोप से बिलोंग करती हैं कंट्रीज मीनस ये डेनमार्क स्वीडन एक्सेट्रा So, जो C. An on the तो जो डोनाल्ड सी रोबर्ट एंड इंटरनेशनल अथॉरिटी ऑन दमर्ट्स मोड वो बोलते हैं इसको यूनिकली अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन फॉर डीलिंग विद द एवरेज सिटीजनस कंप्लेन अबाउट अनफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो इंस्टिट्यूशन है ओमबर्ट्स का वो फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया था स्वीडन के अंदर इन एटीन जीरो नाइन ओमबर्ट मीन्स इन दूटेज ट्रम्प में इसका मतलब होता है कोई भी पर्सन जो एक्ट करता है एज अ रिप्रजेंटेटिव और स्पोक्स पर्सन ऑफ अनदर पर्सन अकॉर्डिंग टू तो डोनाल्ड जो अम्बर्ट्समन है रिफर टू अफिसर जो अपॉइंटेड किया जाता है बाय द लेजिस्लेचर टू हैंडल द कंप्लेन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल एक्शन जो स्वीडिश एम्बर्टमेंट है डील विद द दिटिजन ग्रीवेंसिस इन द फॉलोइंग मैटर्स किन में कि अब्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन डेट इज मिसयूज ऑफिशियल पावर और अथॉरिटी का सेकेंड है मल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है दैट इज़ इन एफिशेंसी इन अचीविंग द टारगेट्स एंड थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन डैट इज डिमांडिंग ब्राइबरी फ्रॉम डूइंग गुड्स फोर्थ है नेपोटिज्म कि वही अपने जो फैमिली uh, मेंबर है उनका फेवर करना इन मैटर प्रोवाइडिंग लाइक एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्कोटेजी डैट इज मिस बिहेवर और वेरीस काइंडार इंस्टेंट्स एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करना तो ये फाइव मैटर्स है दोबारा देख लेते हैं कि जो स्वीडन हम वर्ड्समेंड है वो इनसे डील करता था पहला एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का अब्यूज़ डैट इज़ ऑफिशियल पावर को मिस करना सेकेंड माल एडमिनिस्ट्रेशन इन एफिशियंसी की टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन कि जो ब्राइबरी है वो डिमांड की जा रही है कोई काम करने के लिए नेपोटिज्म डैट इज़ फेवर और देर जिनको हम जानते हैं लाइक प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट्स और लाइक फिफ्थ इज डिस्कॉटेसी डैट इज़ मिसबिहेवियर डिफरेंट टाइप्स का उसमें से एक एग्जांपल है एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करना नेक्स्ट है कि जो स्वीडन अम्बर्ट्समैन है इस वो अपॉइंट किया जाता था बाय द पार्लियामेंट फॉर अ टर्म ऑफ फोर इयर्स वेरी इंपॉर्टेंट और रिमूव भी पार्लियामेंट द्वारा ही किया जाता था ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स कि अगर वो लूज कर दे कॉन्फिडेंस इन हिम और उसको जो अम्बर्ट्समैन है उसको सबमिट करनी पड़ती थी कि एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट को इट इज़ ऑल्सो नोन एज पार्लियामेंट्री अम्बर्ट्समैन बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्लियमेंट एज वेल एज एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वेरी इंपॉर्टेंट तो जो अम्बर्ट्समैन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अम्बर्ट्समैन इज एन कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी एन्जॉय करता था पावर टू सुपरवाइज द कम्प्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन बाय द पब्लिक ऑफिशियल तो ये हम जो स्वीडन में इस्टेब्लिश हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी लोकपाल और लोकायुक्त था जो हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में पढ़ रहे हैं वो आगे पढ़ेंगे एंड सी दैट दे डिस्चार्ज यर ड्यूटीज प्रॉपरली दूसरे शब्दों में कहें

अगेंस्ट अनफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और सो मोटो भी है कि अपना भी इनिशिएटिव खुद से भी वो इनिशिएट कर सकता है कोई भी कंप्लेन एंड ही कैन प्रोसिक्यूट एनी हरिंग ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द जजेज हावेवर ये हिमसेल्फ कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी पनिशमेंट वो खुद से पनिशमेंट नहीं दे सकता है ही ओनली रिपोर्ट कर सकता है उस मैटर्स को ट हायर अथॉरिटीज़ फॉर टेकिंग द नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस और इन सब में बताएँ कि जो समरी है जो कैक्टिस्टिक है स्वीडन इंस्टीट्यूशन की वो ऐसे कि इंडिपेंडेंट है ऑफ एक्शन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव फर्स्ट सेकेंड इम पार्शल और ऑब्जेक्टिव जो इन्वेस्टिगेशन है कम्प्लेन्ट्स की थर्ड है कि सोमोटो पावर्स भी है इसके पास कि ये हमने भी डिस्कस किया कि ये एक्शन भी ले सकता है कि सिटीजन की कंप्लेंट पे भी और खुद भी इनिशिएटिव uh, ले सकता है डेट इज़ सोमोटो एंड फोर्थ इज़ अनइंटरप्टेड एक्सेस टू ऑल द फाइल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फिफ्थ है कि राइट टू रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट एज अपोज टू द एग्जीक्यूटिव

वो डिफरेंट स्प्रेड हो गया इसके नेवियन कंट्रीज में लाइक like जो नॉर्थन यूरोपियन से बिलोंग करती हैं देट इज़ फिनलैंड डेनमार्क नॉर्वे न्यूजीलैंड इज़ द फर्स्ट कॉमनवेल्थ कंट्री इन द वर्ल्ड जो उन्होंने अडोप्ट किया था अम्बोर्समेंट सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री कमीशनर फॉर इन्वेस्टिगेशन तो ये जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में न्यूजीलैंड फर्स्ट थी जिसने अम्बोर्समेंट सिस्टम का अडोप्ट किया किस फॉर्म में इन द पार्लीमेंट्री कमीशनर फॉर इन्वेस्टिगेशन वेट इट्स अ पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन इन नाइनटीन सिक्सटी टू और जो यूनाइटेड किंगडम है यू के एडोप्टेड दर्समेंट लाइक इंस्टीट्यूशन कोल्ड जो पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन 1967 तो ध्यान रखेंगे कि न्यूजीलैंड ने जो फॉर्म एक्सेप्ट की थी वो थी पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन जो यू ने किए वो है कि पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सिंस देन मोर देन फोर्टी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैजोप्टेड द लाइक like इंस्टीट्यूशन इसके डिफरेंट नेम्स से और फंक्शन से मोर देन फोर्टी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया है और जो अम्बोर्समेंट्स हैं इंडिया के अंदर उसे लोकपाल और लोकायुक्ता बोलते हैं आपको इसकी जो बैकग्राउंड है पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए और जो डोनाल्ड है उसने बोला है था कि जो सेज डेड जो इंस्टीट्यूशन है ऑफ अम्बर्ट्स वो एक बलोवर्क है बलोकवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगेंस्ट द टैरनी ऑफ उफ ऑफिशियल उफ डोम वाइल ग्रनाल्ड डिस्क्राइब द तो अम्बोर्समेंट एज इंस्टीट्यूशनलाइज पब्लिक कॉन्साइंस नेक्स्ट है कि जो अनदर यूनिक जो इंस्टीट्यूशनल डिवाइस है क्रेडिड बाई द रिडरसल ऑफ सिटीजन ग्रीवेंस अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इज द फ्रेंच सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोड ड्यू टू दिस सक्सेस फ्रांस के अंदर जो सिस्टम है ग्रेटबली स्प्रेड होने लगा मैंने अदर यूरोपियन के में और अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर लाइक बेल्जियम ग्रीस और टर्की like तो इसके अंदर भी ये फ्रेंच का जो सिस्टम है कि सिटिजन्स की जो दिक्कतें हैं उनको एड्रेस करने के लिए एक नया सिस्टम था इसी भी कि फ्रेंच सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोड और इसकी सक्सेस फ्रांस के अंदर इसको स्प्रेड करा देती हैं और भी अदर यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में लाइक बेल्जियम ग्रीस एंड तुर्की नेक्स्ट देखते हैं कि जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं लाइक द फोरमा यू नाउ रशिया चाइना पोलैंड हंगेरी और का, का वाकिया और रोमानिया हैज़ क्रिएटेड द आयर ओन इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस फॉर द ऑफ सिटीजन ग्रीवेंसिस और इट इज़ कॉल्ड प्रोक्राइटर सिस्टम इन दिस कंट्री जो हमने पढ़ा था पोवा एज़ फॉर प्रोक्राइटर सिस्टम ए हमने पढ़ लिया था ओ अम्बर्ट्समन ए हमने एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया था एंड शुड बी नोटेड हेयर डेट जो ऑफिसज है ऑफ द प्रोक्राइटर जनरल इज स्टिल फंक्शन कर रहा है रशिया के अंदर एंड इट इज़ अपॉइंटेड फॉर ट्रेन ऑफ सेवन ईयर वेरी इम्पोर्टेंट पोजिशन देख लेते हैं इंडिया के अंदर कि जो एग्जिस्टिंग लीगल और इंस्टीट्यूशनल फेमवर्क है कि करप्शन को चेक करने के लिए और एड रि करने के लिए सिटीजनस की ग्रीवेंसिस वो कौनसिस्ट हैं कि पब्लिक सर्वेंट एक्ट है एटी फिफ्टी का इंडियन आई पी सी स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जो हमने सी वी सी के अंदर ही पढ़े और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कमीशन फॉर इंक्वायरी ऑल इंडिया सर्विसेज सेंट्रल सर्विसेज तो ये सभी इंस्टीट्यूशन है फॉर द चेकिंग करप्शन और रिडर्सल करने के लिए लोकपाल पाँच लोग, लोग आए इसमें भी आ गए फिफ्टीन और सिक्सटीन पर नेशनल कमीशन फॉर एस टी एंड एस टी एंड लास्ट इसमें वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ ट्वेंटी सिक्स कि फाइल टू फील्ड प्रोग्राम वो एडोप्ट किया गया सम स्टेट लाइक केरला इसमें क्या ये इनोवेटिव स्कीम है जो एडमिनिस्ट्रेटर है एडमिनिस्ट्रेटर वो स्टेट वो विलेज में और एरिया में जाता था और हियर करता था जो पब्लिक ग्रीवेंसीज होती थे और इमिडिएटली ले एक्शन ले लेता था जहाँ पे भी पॉसिबल होता था तो इट्स इज फाइल टू फील्ड प्रोग्राम इट्स वेरी इनोवेटिव स्कीम लोकपाल स्टार्ट होता है देखते हैं लोकपाल तो जो एआर थी डट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया की नाइनटीन सिक्सटी की उसने रिकमेंड किया था कि जो सेटिंग अप ऑफ टू स्पेशल अथॉरिटीज डेजिग्नेटेड एज लोकपाल एंड लोकायुक्ता फॉर द रिड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रीवेंसिस और ये इंस्टीट्यूशन है वर टू बी सेटअप ऑन द पैटर्न ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बर्ट्समैन इन स्कैंडी नेवीन कंट्रीज एंड द पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन इन न्यूजीलैंड जो लोकपाल है वो डील विद द कम्प्लेन अगेंस्ट द मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी एट सेंटर स्टेट और लोकायुक्त वन एट द सेंटर और वन इन एवरी स्टेट वो डील करता है विद द कम्प्लेन जो लोकायुक्त है अगेंस्ट अदर स्पेसिफिक हायर ऑफिशियल्स तो हमने पढ़ा है कि ये इस प्रेग्राम में कि ए आर सी द्वारा रिकमेंड किया गया था कि दो स्पेशल अथॉरिटीज़ को सेटअप करने के लिए दैट इज़ लोकपाल एंड लोकायुक्त फॉर द रि ऑफ सिटीजन ग्रीवेंसीज और ये जो किस पैटर्न पे इस्टेब्लिश हुए थे जो हमने ऊपर पढ़ा है अम्बोर्ट्समेंट और जो पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन इन स्विट्जरलैंड यूके के आप याद रखेंगे कि पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था वहाँ और जो लोकपाल है वो डील करता है कंप्लेंट अगेंस्ट द मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी सेंटर और स्टेट लेवल पे और जो लोकायुक्ता है वो एक तो सेंटर पे इस्टेब्लिश किया जाता है और हर स्टेट के अंदर वो डील करता है कंप्लेंट जो अदर हायर ऑफिशियल्स हैं उनके रिगार्डिंग जो तो एस एस ए है कैप द जुडिशरी आउटसाइड द परव्यू ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता एज इन न्यूजीलैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप अपनी बुक में हाईलाइट कर सकते हैं के आर सी ने एंड जो जुडिशरी है उसको लोकपाल और लोकायुक्त के प्रव्यू से बाहर रखा गया एंड ये न्यूजीलैंड में भी यही पैटर्न है बट इन स्वीडन द जुडिशरी इज विद इन द परव्यू ऑफ ऑम्बर्ट्समैन अकॉर्डिंग टू द ए आर सी जो लोकपाल है वुड भी अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट आफ्टर कंसल्टे विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो जो ए आर सी है वो रिकमेंड करती है इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता शुड हैव द फॉलोइंग फीचर कि दे शुड बी डेमोस्ट्रेटिवली इंडिपेंडेंट एंड इम पार्शल सेकेंड दे इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीडिंग शुड बी कंडक्टेड इन इन प्राइवेट एंड शुड भी इनफॉर्मल इन करेक्टर थर्ड है कि इनका जो अपॉइंटमेंट है शुड भी एज फार एज पॉसिबल नॉन पोलिटिकल होना चाहिए और देर स्टेटस वो कंपेयर करना चाहिए विद द हाइस्ट जो जुडिशियल फंक्शनज हैं कंट्री के उनके साथ एंड दे शुड डील विद मैटर्स इन द डिस्क्रिशनरी फील्ड इन्वॉल्विंग एक्ट्स ऑफ इनजस्टिस करप्शन और फेवरेटिज्म में और दे आर प्रोसीडिंग शुड नॉट सब्जेक्ट टू कि उनमें जुडिशियल इंटरफेयर करें सेवंथ है दे शुड हैव द मैक्सिमम लेटिट्यूड और पावर जो इन्हें इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग किसी भी इंस्टीट्यूशन से लेने में ऑप्टेनिंग इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू देयर ड्यूटीज़ एट दिस दे शुड नॉट लुक फॉरवर्ड टू एनी बेनिफिट पिक्यूनरी एडवांटेज फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव पिक्यूनरी एडवांटेज इज रेड टू मनी कि कोई भी एडवांटेज एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट से के लिए ये फॉरवर्ड नहीं है बेनिफिट लेने के लिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द आर सी इन दिस रिकार्ड सो फार टेन ऑफिशियल अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं तो उसमें बिल्स है इंट्रोड्यूस हुआ इन द पार्लियामेंट इन द फॉलोइंग ईयर फर्स्ट है कि मे नाइनटीन सिक्सटी एट में बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाई इंदिरा गांधी और ये चलता रहा ये टेंथ थे जो दिसंबर 2011 बाय द यूपीए गवर्नमेंट हेडेड बाय मनमोहन सिंह जो फर्स्ट फोर बिल थे वो लैप्स हो गए थे ड्यू टू तो द रेजोल्यूशन ऑफ़ लोकसभा फिफ्थ वन गवर्नमेंट द्वारा विड्रॉ कर दिया गया था और सिक्स और तो जो, जो सेवन्थ है वो लैप्स हो गया था ड्यू टू तो रेजोलूशन ऑफ द एलेवेंथ और ट्वेल्थ लोकसभा अगेन जो एट्थ बिल था टू थाउजेंड वन का वो लैप्स हो गया था वही थर्टीथ लोकसभा का रिजोल्व होने के कारण वो जो नाइन्थ बिल है वो विड्रॉ कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा तो फाइनली हमारा टेंथ बिल हुआ क्लियर बिल्कुल अब जो लोकपाल है और लोकायुक्ता एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन उसके फीचर्स पढ़ लेते हैं फीचर्स टू एस्टेब्लिश करना चाहता था एक इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल एट द सेंटर और लोकायुक्त एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड सिक्स टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म विजिलेंस एंड एंटी करप्शन रोड मैप फॉर द नेशन बोध एट द सेंटर एंड द स्टेट और जो जुडिशियल है लोकपाल का उसमें प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं मिनिस्टर्स भी आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आते हैं ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर्स भी आते हैं और ऑफिशियल्स ऑफ उफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी आते हैं सेकेंड लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन इसमें मैक्सिमम एट मेंबर्स होंगे और उनमें से जो फिफ्टी परसेंट है वो जुडिशियल मेंबर होंगे और जो फिफ्टी परसेंट मेम्बर हैं लोकपाल के वो शेल बी कम फ्रॉम अमंगस्ट एस सी एस टी और ओ बी सी माइनॉरिटीज़ और वुमेन और जो सिलेक्शन है चेयरपर्सन का और अदर मेंबर लोकपाल का वो सिलेक्शन कमेटी के थ्रू होगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा स्पीकर और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक एमिनेंट जुडिस जो नॉमिनेट किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन जो ऊपर के चार मेंबर्स हैं ऑफ़ द सिलेक्शन कमेटी और एक सर्च कमेटी अजिस्ट करेगी सिलेक्शन कमेटी को इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन और ये फिफ्टी परसेंट ऑफ द मेम्बर्स जो होंगे सर्च कमेटी के शेल ऑल्सो भी फ्राम अमंगस्ट एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटीज एंड वुमेन सिक्स है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन ब्रॉड अंडर परव्यू ऑफ द लोकपाल विद सब्जेक्ट मैटर एक्सक्लूजन कि कुछ मैटर में एक्सक्लूड किया गया है प्राइम मिनिस्टर्स को एंड स्पेसिफिक प्रोसेस फॉर हैंडलिंग कम्प्लेंट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर इनके लिए स्पेशल प्रोसेस है सेवेंथ इज की लोकपाल जुडिक्शन विल कवर ऑल कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी एंड ग्रुप डी ऑफिसर्स और जो एम्प्लॉज हैं गवर्नमेंट के ऑन कंप्लेन जो रेफर की गई टू द सी वी सी बाय द लोकपाल सी बी सी एक रिपोर्ट सेंड करती है ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स बैक टू द लोकपाल फॉर फर्दर डिसन एंड विद रिस्पेक्ट टू दू कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम ग्रुप सी एंड ग्रुप डी योर सी वी सी विल प्रोसीड फर्दर इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओन पावर तो ये आप ध्यान रखेंगे कि उसमें वो रिपोर्ट सेंड करती है रिगार्डिंग जो ए पी के रिगार्डिंग और सी और डी में वो अपनी एक्सरसाइज ही यूज करती है अपनी पावर ही और अंडर द सी वी सी एक्ट सब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग एंड रिव्यू बाय द लोकपाल द लोकपाल विल हैव द पावर ऑफ सुप्रिंडेंस एंड डायरेक्शन और एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसमें सी बी आई भी इंक्लूड है फोर केसेज रेफर टू दैन बाय द लोकपाल और एक हाई पावर्ड कमेटी जो चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा विल रिकमेंड द सिलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सी बी आई अटेंथ है कि ये इनकॉपरेट करेगा प्रोविजन फॉर द अटैचमेंट ऑन कॉन्फिकेशन और प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्वायर्ड बाई करप्ट मीन्स इवन वेल द प्रोजीक्यूशन इज पेंडिंग कि अगर अभी तक उसके ऊपर प्रोजीक्यूशन चली रहा है कि प्रोजीक्यूशन पेंडिंग में है और इंक्वायरी चली रही है तो उस केस में भी जो अगर डाउट है कि यह प्रॉपर्टी उसकी करप्ट मीन्स है तो वो कॉन्फिक्सकेट कर ली जाएगी बाद में केस सोल्व होने के बाद नहीं कि स्टार्टिंग में ही इलेवंथ इज इट लेट डाउन क्लियर timelines की preliminary इंक्वायरी के लिए बेसिकली थ्री सिक्स वन की थ्री है preliminary इंक्वायरी के लिए थ्री मंथ्स जो एक्सटेंडेबल होगा तीन मंथ के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए छः महीने जो एक्सटेंड होगा फोर सिक्स मंथ मोर एट अ टाइम एंड फोर ट्रायल के लिए एक साल एक्सटेंडेबल बाय वन ईयर और इसे अचीव करने के लिए स्पेशल कोर्ट सेटअप की जाएंगी नाउ ट्वेल्थ इज कि it इज maximum पनिशमेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट फ्रॉम सेवन ईयर टू टेन ईयर और उसने सेवन ईयर से टेन ईयर कर दी पनिशमेंट भी और जो मिनिमम पनिशमेंट है अंडर सेक्शन सेवन एट नाइन एंड ट्वेल्व ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट विल नाउ बी थ्री ईयरस एंड द मिनिमम पनिशमेंट अंडर सेक्शन फिफ्टीन विल नाउ बी टू ईयर्स इसमें पनिशमेंट फॉर अटैम्प्ट की अटैम्प्ट करने में भी उसे दो साल की सज्जा होगी और जो इंस्टीट्यूशन है विच आर फाइनल और फाइनेंशली इसमें जो इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियली फुली या पार्शली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जुडिक्शन में आते हैं अगर इंस्टीट्यूशन बीच आर फाइनेंस फुली और पार्शली बाय द गवर्नमेंट वो लोकपाल के जुडिक्शन में आते हैं बट जो गवर्नमेंट द्वारा एडिट किए जाते हैं वो इससे एक्सक्लूड होते हैं फोर्टीन इज इट प्रोवाइडेड एडुकेट प्रोटेक्शन फॉर होनेस्ट एंड अपराइट पब्लिक सर्वेंट फिफ्टीन इज की लोकपाल कन्फर्म विद पावर टू ग्रांड सेंक्शन फॉर प्रोजीक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन प्लेस ऑफ गवर्नमेंट कि ऑन ग्रांट भी सेंशन कर सकता है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट के जो भी प्रोजीक्यूशन होता है उसके रिगार्डिंग कंटेनर नंबर ऑफ प्रोविजन जिससे सी बी आई को स्ट्रेंथ किया जा सके सच एज सेटिंग अप डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोजीक्यूशन हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ प्रोजीक्यूशन अंडर दंट्रोल ऑफ डायरेक्टर ऑफ सी बी आई सेकेंड इज अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोजिक्यूशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सी बी सी दैट इज़ ए मेंटेनेंस ऑफ पैनल ऑफ एडवोकेट बाय द सीबीआई अदर देन गवर्नमेंट एडवोकेट्स विद द कंसेंट ऑफ द लोकपाल जो हैंडलिंग करेंगे लोकपाल रेफर्ड केसेस को और ट्रांसफर ऑफिसर्स का और सी बी आई इन्वेस्टिगेटिंग केसेज का रेफर्ड बाय द लोकपाल विद द अप्रूवल ऑफ लोकपाल जो भी ट्रांसफर होगा ऑफिसर्स का सी का जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं केसेज जो लोकपाल द्वारा उनको दिए गए वो भी लोकपाल के अप्रूवल के बाद ही होगा और वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इसका फिफ्थ प्रोविजन है प्रोविजन ऑफ एडवोकेट फंड टू सी बी फॉर इन्वेस्टिगेटिंग केस जो लोकपाल द्वारा रेफर किए गए सेवनटीन कि ओल्ड एंटिटीज रिज्यूमिंग डोनेशन फ्रॉम एफ सी की जो फॉरन से डोनेशन ले रहे हैं ऑफ़ द फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर इन जो दस लाख ,00 से ऊपर होगी पर ईयर वो इंस्टुडेन के अंदर आएंगे लोकपाल के एटीन इट कंटीन अ मैंडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता थ्रू इनैक्टमेंट ऑफ अ लॉ बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विदिन अ पीरियड ऑफ सिक्सटी फाइव डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफ दिस एक्ट थर्ड जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है फ्रीडम टू द स्टेट कि टू डिसाइड अपॉन द काउंटर ऑफ द लोकायुक्त मैकेनिज्म इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट अब ड्रॉबैक्स देख लेते हैं फर्स्ट कि लोकायुक्त कैन नॉट बी सोएमोटो कि वो स्वयं मोटो प्रोसीड नहीं कर सकता है कि अपनी इच्छा से अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट सेकेंड एम्फेजिज ऑन फॉर्म ऑफ कंप्लेंट अदर देन सब्सटेंस कि यह भी पनिशमेंट है कि अगर कोई फॉल्स या फेवलस कंप्लेंट दे देता है अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट जो जो कंप्लेंट देता है उसको कम कर देता है उसे इस ये ड्रॉबैक है डेट में डिटर कंप्लेंट्स बीइंग फाइल टू लोकपाल फोर्थ इज एनोनस कंप्लेंट अलाउ नहीं है कैन जस्ट मेक अप कंप्लेंट ऑन अ प्लेन पेपर एंड ड्रॉप इट विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये अलाउ नहीं है ये ड्रॉबैक uh, है फिफ्थ है कि लीगल असिस्टेंट पब्लिक सर्वेंट को हुम कंप्लेंट इज फिल्ड दी जा रही है एंड सिक्स इज लिमिटेशन पीरियड ऑफ सेवन ईयर टू फाइल कंप्लेंट और सेवेंथ कि नो वेरी नोन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है जो कि डील करने के लिए कंप्लेंट अगेंस्ट द पी एम कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं दोबारा तो देख लेते हैं ड्रॉबैक्स कि लोग बाग जो लोकपाल है वो सोमोटो पावर्स नहीं पोसिश करता कि खुद से किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने में सेकंड कि जो एम्फेसिस है वो फॉर्म ऑफ कंप्लेंट पे दिया गया है सब्सटेंस और हैवी पनिशमेंट है फॉर द फॉल्स और फेबुलस कंप्लेंट फोर्थ इज अनोनोमस कंप्लेंट अलाउ नहीं है फिफ्थ एक लीगल असिस्टेंट दिया जाता है टू तो द पब्लिक सर्वेंट जिसके अगेंस्ट कम्प्लेंट फाइल की गई है सिक्स थे एक लिमिटेड कर दिया जो पीरियड है सेवन ईयर का फा, कंप्लेंट फाइल करने का और सेवनथ है कि जो पी के लिए एक नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर रखा है तो ये ड्रॉबैक क्लियर हो गए होंगे अब लोकायुक्ता देखते हैं कि इवन मच बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट दो हजार तेरह के अंदर इट्स से मेनी स्टेट्स ऑलरेडी सेटअप कर दिए थे इंस्टीट्यूट ऑफ लोकायुक्ता और इट मस्ट बी नोटेड ही दैट जो इंस्टीट्यूशन है लोकायुक्ता का वो फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ था महाराष्ट्र के अंदर नाइनटीन सेवनटी वन ऑल दो जो उड़ीसा है उसने पास किया एक्ट इन दिस रिगार्डिंग नाइनटीन सेवनटी और ये फोर्स में आ गया था नाइनटीन एटी थ्री के अंदर और टिल दो हजार तेरह के अंदर तक इक्कीस स्टेट और वन यू टी दैट इज दिल्ली हैव एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता इनकी डिटेल टेबल में है आप देख सकते हैं कि उड़ीसा नाइनटीन सेवेंटी फिर महाराष्ट्र नाइनटीन सेवेंटी वन इफेक्ट में उड़ीसा में बाद में आया अब स्ट्रक्चरल वेरिएशन है कि जो स्ट्रक्चर है लोकायुक्ता का वो सेम नहीं है सब स्टेट के अंदर कि सम स्टेट लाइक राजस्थान कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जिन्होंने क्रिएट किया है लोकायुक्ता एज वेल well एज उप लोकायुक्त वाले जो सम स्टेट है लाइक बिहार उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश उन्होंने केवल लोकायुक्त ही अपॉइंट किया है क्रिएट किया दे आर स्टिल अदर स्टेट लाइक पंजाब और उड़ीसा डेट हैज़ डेजिग्नेट ऑफिशियल्स एज लोकपाल इन्होंने अब तक लोकपाल ही रखा है और ये पैटर्न ये सजेस्ट नहीं किया गया था ए द्वारा इन द स्टेट्स अपॉइंटमेंट देखते हैं कि जो लोकायुक्त है और उपलोकायुक्त आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट और अपॉइंटिंग जो गवर्नर है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्वालिफिकेशन की जुडिशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है फॉर द लोकायुक्त इन द स्टेट ऑफ़ यूपी हिमाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश गुजरात उड़ीसा कर्नाटक एंड आसाम बट नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब इन द स्टेट ऑफ बिहार महाराष्ट्र एंड राजस्थान फिर टेन यू कि इन मोस्ट ऑफ द स्टेट जो टर्म है ऑफिशियल ऑफ द ऑफिस फिक्स फॉर द लोकायुक्ता इज फाइव ईयर और सिक्सटी फाइव ईयर ऑफ एज विच एवर इज अल एंड ये एलिजिबल नहीं होता फॉर रीअपॉइंटमेंट मीन्स सेकेंड टर्म ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं है नाउ देखते हैं जुडिक्शन कि देर इज नो यूनिफॉर्मिटी रिगार्डिंग द जुडिक्शन ऑफ लोकायुक्त इन ऑल द स्टेट फॉलोइंग पॉइंट्स नोट किए जाने चाहिए इस रिगार्ड में कि जो चीफ मिनिस्टर होता है इज इंक्लूडेड विद इन द जुडिक्शन ऑफ लोकायुक्त इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात वाइल इसको एक्सक्लूड किया गया है फॉम द परव्यू ऑफ लोकायुक्ता इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र यूपी राजस्थान बिहार एंड उड़ीसा बी ए के जो मिनिस्टर्स हैं और हायर सिविल सर्वेंट्स हैं आर इंक्लूडिंग द परव्यू ऑफ लोकायुक्ता इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट एंड महाराष्ट्र एज ऑल्सो इंक्लूडेड फॉर्मर मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर चीफ सर्वेंट सिविल सर्वेंट जो फॉर्मर मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट हैं उनको भी जो पहले रिटायर हो चुके हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो मेम्बर है ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर इंक्लूडेड इन द परव्यू ऑफ लोकायुक्ता इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश गुजरात यूपी एंड आसाम डी ए की जो अथॉरिटीज़ हैं लोकल बॉडीज़ की कारपोरेशन कंपनीज एंड सोसाइटी वो इंक्लूडे इन द जूडिक्शन ऑफ लोकायुक्ता इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ़ द स्टेट के अंदर जो लोकायुक्त है वो इनिशिएट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन आई ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेन जो उससे रिसीव हुई है अगेंस्ट द अनफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन और शो मोटो बट ही डज नॉट इन्जॉय द पावर टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव इन द स्टेट ऑफ यूपी हिमाचल प्रदेश एंड आसाम जो स्कोप है केसेस का वो देख लेते हैं कि जो लोकायुक्ता कैन कंसिडर द केसेस ऑफ़ ग्रेवेंसीज एज वेल एज एलिगेशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र यूपी आसाम बिहार एंड कर्नाटका बट इन हिमाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश राजस्थान एंड गोवा द जॉब ऑफ लोकायुक्ता इज कन्फाइंड टू द इन्वेस्टिगेटिंग एलिगेशन करप्शन एंड नॉट ग्रेवेंसी कि इनमें केवल इन्वेस्टिगेट करेगा जो भी करप्शन के अगेंस्ट एलिगेशन है ग्रेवेंसी ने देखेगा कि वो इन एफिशियंसी है एडमिनिस्ट्रेशन की दैट इज मार एडमिनिस्ट्रेशन अदर फीचर देख लेते हैं कि जो लोकायुक्ता प्रेजेंट एनअल टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट एक कॉन्सिलेटेड रिपोर्ट अपनी परफॉर्मेंस की गवर्नर उस रिपोर्ट को रख देता है अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनिंग मेमोरेंडम बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर द लोकायुक्ता इज रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर और वो एक्शन लेता है यू टेक द हेल्प ऑफ द स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फॉर कंडिंग इंक्वायरी थर्ड इज़ यू के कॉल फॉर रिलेवेंट फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फोर्थ इज द रिकमेंडेशन मेड बाय द लोकायुक्ता आर ओनली एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट वेरी इंपॉर्टेंट तो so गाइज़ हमारे लोकपाल और लोकायुक्त